बेसन का आलू पकौड़ा आसान रेसिपी आपको बताते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो आलू लिए हैं। आप अपने जरूरत के हिसाब से आलू ले लेंगे। आलू को इस तरह से पहले दो हिस्से में काटेंगे। काट लेंगे और फिर हम इसे और मजीद दो हिस्सों में काटेंगे, यानी कि एक आलू को चार हिस्सों में काटेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम एक कुकर लेंगे और उसमें पानी लेकर आलू को उसमें डालेंगे। सारे आलू को हम उसमें डाल लेंगे और पानी, आलू ऐसा होना चाहिए पानी कि आलू उसमें डूब जाए। और अब हम इसे दो से तीन सीटी होने के लिए रख देंगे। फ्लेम को स्टार्टिंग में हाई रखेंगे, बीच में फ्लेम को हल्का सा लो कर देंगे। ये देखिए हमारा आलू बॉईल हो चुका है। अब हम इसे अच्छी तरह से चूर लेंगे। आप चाहे तो हाथ से भी चूर सकते हैं और आप चाहे तो इसकी मदद से भी चूर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से चूर लेना है, कहीं कोई आलू का बाकी ना रह जाए। इसमें यहाँ पे मक्खन डालूंगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ गोल मिर्च डाला है मैंने और नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे भी डाल सकते हैं। और इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। ताकि दूध जो है वो सारे आलू में बराबर बराबर मिल जाए। और यहाँ पे मैंने केक बनाने वाला कोन लिया है। आप चाहें तो पैकेट में इस तरह से डिज़ाइन करके इसे इस तरह का शेप दे सकते हैं, या फिर हाथ से ही आलू को शेप देंगे इस तरह से। मैंने यहाँ पे कोन से इस तरह से निकाल लिया था प्लेट पे डिज़ाइन करके। अब हम इसे एक घंटे के लिए या दो घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे, उसके बाद हम इसे निकालेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। साइज आप अपने हिसाब से रख लेंगे, इससे थोड़ा और छोटा भी हो सकता है या फिर इससे बड़ा भी कर सकते हैं आप चाहे तो। और मैंने अलग से बेसन रेडी रखा था मिक्स करके, उसमें हम आलू को डालेंगे और उससे तेल पे फ्राई कर लेंगे कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है।